मैं जहीर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। राजस्थान के अलवर जिले के पंचायत राज के चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज 26 तारीख को मतदान होगा। उससे पहले नेता लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। अब यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी अहम कड़ी साबित होते हैं। हमारे साथ आज साजिद खान जी जुड़ रहे हैं जो कि वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस के भावी उम्मीदवार हैं। उमरेण ग्राम पंचायत है, वहाँ से आप प्रत्याशी हैं। जनाब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साजिद जी, आपने कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा लोगों का रिस्पॉन्स और समर्थन मिल रहा है? लोगों का बहुत पूर्वक समर्थन मिल रहा है और लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है, सबका समर्थन बढ़िया मिल रहा है। और भी प्रत्याशी हैं, और भी पार्टी के नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, उनको कहाँ देखते हैं अपने मुकाबले? उनका मेरा कोई मुकाबला नहीं है। खूब गाँव से भारी वोट मिलेंगे, बाहर से भी खूब वोट मिलेंगे और खूब जनता का प्यार मिल रहा है। लोग तो सत्ता के साथ चलेंगे और लोगों ने ही मुझसे कहा था टिकट लेने के लिए, नहीं मेरी कोई अकेले की नहीं चली उसमें। अच्छा। लोगों ने कहा था टिकट लेके आओ और आप चुनाव लड़ो तो आपको जिताएंगे हम, और मैं लोगों के लिए काम करूंगा और जहां भी जा रहे वहां पर बहुत जनता का प्यार और बहुत वो मिल रहा है मुझे, बहुत बहुत प्यार है, समर्थन मिल रहा है जनता का। अच्छा, कितने गाँव की आपके जो वार्ड है और कितनी वोटें हैं? ये अपना वार्ड है वार्ड नंबर 3 में, इसमें 4466 वोट है इसमें। और अपने एक तो ग्राम पंचायत समिति राय का और नांगड़ राय सीस, किसी से भी नहीं है अपना मुकाबला, नहीं किसी से भी। इकतर भी जीत होगी और बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी। हाँ, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे साजिद जी? जिस तरीके से हमने भी आपकी कवर किया है कुछ चीज़ें, और वो भी वीडियो हम मेंशन कर देंगे, लेकिन जाते जाते जनता को कोई संदेश? लोगों को जनता के लिए करूंगा, जनता ने मुझे टिकट मंगवाया, जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, आपके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। ये नहीं कि मैं भाई टिकट लाके ये मुझे मेरी कोई पहचान बनानी, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना। जनता के लिए काम कर रहा हूं और जनता जी हाँ समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, और जैसे समाज कहेगी चाहे रात हो चाहे दिन हो समाज के साथ रहूँगा। और आने वाली 26 तारीख को हत्थी पर बटन दबाएगी और जनता विजय बनाएगी। जनता विजय बनाएगी। बीजेपी का भी कोई जनादार है यहाँ पे? नहीं नहीं, कुछ नहीं है बीजेपी का। बीजेपी का कोई जनादार? कोई नहीं, नहीं बीजेपी का यहाँ। तो जैसा आपका जन समर्थन मिल रहा था, वीडियोज भी हैं जहाँ जहाँ से हम देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कभी आप हवा में बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हकीकत है सब चीज। मुझे सबका समर्थन मिला और सबने बोला टिकट लाने के लिए, इस बारे में टिकट लेकर आए, और मैं फिर भी कह रहा हूँ मैं जनता 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 के लिए काम करूँगा। जनता जब भी बोलेगी चाहे रात हो चाहे दिन हो सबके साथ समाज के साथ खड़ा रहूँगा। अच्छा, उसकी समस्याओं का समाधान कराएंगे? समस्याओं का समाधान कराऊंगा, जनता के लिए आवाज़ उठाऊंगा, जनता के लिए काम करूँगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ साजिद खान जो कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जनता का विकास होगा और जनता की समस्याओं को सुना जाएगा, एक समाज को ऊपर उठाने का इनका जिम्मा रहेगा, ऐसा इन्होंने आश्वस्त किया है। लेकिन इसका सीधा तौर पर यह कहना है कि मेरी जो 3 नंबर वार्ड है यहाँ से किसी से कोई मुकाबला नहीं है, इस बार लोग कांग्रेस के साथ चलना चाहते हैं। सर जी ऐसा ही है ना? जी, सत्ता के साथ रहने चाहते हैं सब लोग। देखिए, साजिद खान ने एक बड़ी बात कही है कि अगर जनता सत्ता के साथ चलेगी, जनता सरकार जो राजस्थान में है उसके साथ चलेगी, तो कहीं विकास होगा। अगर विपक्ष के साथ आप जाएंगे तो आप विकास यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष की पार्टी कोई विकास नहीं करा पाएगी। अब ये वक्त तय करेगा कि साजिद खान को वार्ड नंबर 3 से जनता कितने भारी मतों से जिताती है। और साजिद खान का सीधे तौर पर ये कहना है कि जनता का प्यार और समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, आने वाली 26 तारीख को जनता यहाँ से कांग्रेस के टिकट को जिताने का काम करेगी। ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आपको लगातार इसी तरीके की खबरें दिखाता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।